मैं हूं किरण नाज, शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने मेरी वीडियो के लिए वक्त निकाला। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है मेरी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मुतनाज़ वीडियोज एंड टिकटॉक से शोहरत हासिल करने वाली हरीम शाह के हवाले से। याद होगा आपको कि 28 जून को हरीम शाह ने दावा किया था, कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका निकाह हो गया है। और उनका निकाह भी किससे हुआ है ये उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MPA से उनकी शादी हो गई है, जिनके पास सूबाई वजारत भी है, बड़ा ओहदा भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामी गिरामी बड़े पॉलिटिशियन हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि वो 4 जुलाई को टर्की जा रही हैं और उसके बाद 5 जुलाई को टर्की के लोकेशन से उन्होंने कुछ वीडियोज भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बेचारे MPAs थे, जो सूबाई वजीर थे, उनको आके सफाइयां देनी पड़ गई थी। सईद गनी साहब ने, मुर्तजा वहाब ने, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने, तैमूर तालपुर ने, इन तमाम लोगों ने आके वजाहतें दी थी। सबने अपने अपने हाथ दिखाए थे कि भाई हमने हरीम शाह से शादी नहीं की है। इनफैक्ट ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस पर स्टेटमेंट देना पड़ गया था और उन्होंने कहा था कि ये जो हरीम शाह ने बात की है या बयान दागा है ये सिर्फ और सिर्फ शोशा है, जो असल इश्यूज हैं, असल मसाइल हैं, उनके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हरीम शाह ने ये बात की और हरीम शाह को पॉलिटिकली यूज किया जाता है, सियासी मामलात में हरीम शाह साहिबा को यूज किया जाता है। बहरहाल जी, ये बिलावल ने उनके लिए स्टेटमेंट दिया था। अब हुआ ये है कि हरीम शाह ने 2 वीडियोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं और एक बार फिर निशाना बनाया है पॉलिटिशियंस को। यहाँ पर फयाजुल हसन चौहान साहब और साथ साथ फारूक सत्तार साहब, इन दोनों को निशाना बनाया है, इन पर इल्जामात की बौछाड़ की। अच्छा जी, फारूक सत्तार और फयाजुल हसन चौहान साहब ये दोनों नए पॉलिटिशियन नहीं है जो हरीम के टारगेट पर हों, बल्कि इससे पहले भी फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से भी और फारूक सत्तार साहब के हवाले से भी वीडियोस वायरल हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ जो वीडियो आई है वो भी आप लोगों को याद होगी, संदल खटक और हरीम शाह फयाजुल हसन चौहान के दफ्तर में मौजूद थी, वहां पर वीडियो बना रही थी। फारूक सत्तार साहब के साथ जो पिक्चर्स या वीडियोज आई हैं वो होटल के एक रूम के अंदर फारूक सत्तार और हरीम शाह की वो वीडियोज एंड पिक्चर्स सामने आई हैं। अब हरीम शाह के जो 2 इंस्टाग्राम पर वीडियोज मौजूद हैं उसमें हरीम शाह ये दावा कर रही हैं, ये इल्जामात की बोछाड़ कर रही हैं फारूक सत्तार और फयाजुल हसन चौहान साहब के ऊपर कि ये दोनों लोग उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। अब हरीम शाह इन दोनों को नहीं छोड़ेंगी, इनके करतूत सामने लेकर आएंगी। हरीम शाह कह रही हैं कि फयाजुल हसन चौहान और फारूक सत्तार की जो है वो उन्होंने तो इज्जतें बचाई हैं, उनकी इज्जतें महफूज रखी हैं, उनके बारे में अगर किसी से कभी बात की गई है तो हमेशा उनकी बातों पर, उनकी हरकतों पर, उनके करतूतों पर पर्दा डाला है, ऐसा कहना है हरीम शाह का। हरीम कहती है कि जी इससे पहले जब फयाजुल हसन चौहान साहब और फारूक सत्तार साहब, इनसे जब मेरे हवाले से बात की जाती है तो वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, नामुनासिब बातें करते हैं, तो अब इस वीडियो में जो हरीम शाह ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है इसमें इन्होंने बड़े नामुनासिब जबान का भी इस्तेमाल किया है और फयाजुल हसन चौहान साहब को तो इन्होंने गलीज शख्स तक कह दिया है अपनी इस वीडियो के अंदर। अब दोनों सियासतदान खुद को सादिक और अमीन साबित करने के लिए मुझ पर मजीद इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेंगी और अपनी जो इन दोनों की असलियत है वो अपनी वीडियोस के जरिए, जो वीडियोस इनके पास मौजूद हैं उन वीडियोस के जरिए इन दोनों की असलियत को सामने लेकर आएंगी। अच्छा जी, अब हरीम कैसे इल्जामात, हरीम के ऊपर कैसे इल्जामात ये दोनों पॉलिटिशियंस लगा रहे हैं, यानी कि फयाजुल हसन चौहान या फिर फारूक सत्तार, कौन से इल्जामात लगा रहे हैं, कहाँ इल्जामात लगा रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं, ये तो नहीं उन्होंने क्लियर किया, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन खुद बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। कह रही हैं, ये कह रही हैं कि बड़े अपनी बीवियों के सामने ये सादिक और अमीन बने हुए होते हैं, अवाम के सामने बड़े सादिक और अमीन बने हुए होते हैं, अवाम के सामने अपने आप को बड़ा सादिक और अमीन बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असल इनके करतूत क्या हैं, जो वीडियोज़ हरीम शाह के पास मौजूद हैं फारूक सत्तार की भी और फयाजुल हसन चौहान की भी, वो दोनों की वीडियोज़ उनकी बीवियों के सामने पेश करेंगी, उनके करतूतों को उनकी बीवियों के सामने लेकर जाएंगी और उनको दिखाएंगी कि ये किस तरह के आदमी हैं ये दोनों शख्सियत, जिनका एक का नाम फारूक सत्तार है और एक का नाम जो है वो फयाजुल हसन चौहान है। अच्छा जी, दोनों तरफ से दोनों सियासतदानों ने जब हरीम शाह की ये वीडियो सामने आई हैं और एक बार फिर जो है वो खबरों का हिस्सा बने हैं, दोनों सियासतदानों की तरफ से ना इसकी कोई तस्दीक आई है, ना कोई तरदीद आई है, ना दोनों ने किसी इल्ज़ाम का जवाब दिया है। हो सकता है, ये हो सकता है, इसका गालिब इम्कान है कि दोनों पॉलिटिशियंस
ना समझते हो कि हरीम शाह की शायद या कैलिबर कह लीजिए या हरीम शाह का कद इतना नहीं कि ये दोनों पॉलिटिशियंस इन इल्ज़ामात पर उस बात का आंसर करें। इसी वजह से ये दोनों पॉलिटिशियंस ना चाहते हों कि ना इसकी तरदीद की जाए ना तस्दीक की जाए। बहरहाल हरीम शाह की जानिब से ये बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ज़रूर ये सवालात बनते हैं कि जो फारूक सत्तार साहब हैं वो भी कोई छोटे पॉलिटिशियन नहीं है, फयाजुल हसन चौहान साहब वो भी कोई छोटे पॉलिटिशियन नहीं है। और फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ जब ये स्कैंडल आया था सामने, जब वीडियो सामने आई थी, उस वक्त उनके पास इत्तलात की मिनिस्ट्री थी पंजाब की, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के आप ऑफिस में जा रहे हैं और वहां पर जाकर वीडियोस बना रहे हैं, तो उस पर बड़े सवालात उठे थे। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान साहब ने अभी तक इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, इसी तरह से फारूक सत्तार साहब ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फारूक सत्तार साहब से पिछले साल मुझे याद है ईद पर वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उस प्रोग्राम में मैंने उनसे जरूर सवाल किया था कि सर ये हरीम शाह के साथ क्या मामला है, किस तरह से मुलाकात हुई थी। तो फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि ये मैं वहाँ गया हुआ था होटल में और वहाँ पर किसी से मिलने गया था, तो हरीम शाह भी थी, तो हरीम शाह से मुलाकात हो गई थी। जबकि हरीम शाह अपनी इसी वीडियो में ये दावा कर रही हैं कि ये जो फारूक सत्तार साहब हैं ये तो पिछले 6 महीने से मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि जब आप कराची तशरीफ लाएंगी तो आप मेरी गेस्ट होंगी, आप मुझसे मुलाकात करेंगी। तो फिर जब हम कराची आए तो यहाँ पर फारूक सत्तार से मुलाकात हो गई। बहरहाल सवाल नाज़रीन यहाँ पर ज़रूर ये बनता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, पाकिस्तान का नाम होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि मुतनाज़े शख्सियत या ऐसी शख्सियत जिनका जिनके बारे में आप खुद ये कह रहे हैं कि इनका काम ही यही है कि ये पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हैं और उसके बाद इस तरह के वीडियोस सामने लेकर आते हैं, तो फिर तमाम पॉलिटिशियंस को खुद भी चौकन्ना होना चाहिए कि आप खुद क्यों अपनी इज्जतें इस तरह के लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो कि शोहरत के लिए मुतनाज़े वीडियोस बनाते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये तो पॉलिटिशियंस को खुद भी सोचना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि फारूक सत्तार और जो अपना फयाजुल हसन चौहान साहब हैं वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि बड़ी गलीज ज़बान का इस्तेमाल किया है, ये तक कहा है फारूक फयाजुल हसन चौहान साहब को, तो ये तक कहा है कि ये बड़ा गलीज शख्स है, फिर यहाँ तक बात पहुँच गई है कि उनके पास कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कि वो सबूत के तौर पर उनकी बीवियों के सामने पेश करेंगे और उनको बताएंगे कि ये आपके शौहरों के करतूत क्या है। तो लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें कब तक आती हैं, या ये भी हरीम शाह की शादी के दावे की तरह ही इल्ज़ामात और दावे हैं कि किसी तरीके से न्यूज़ में इन रहना है, हेडलाइन बननी चाहिए, तो ये भी इसी तरह का कोई दावा किया गया है। अब इसके लिए इंतज़ार करना होगा और साथ साथ बहुत ही अच्छा ये भी हो जाएगा कि अगर फयाजुल हसन चौहान साहब या फारूक सत्तार साहब सामने आकर इन बातों की तरदीद कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने आकर ज़रूर इस बात पर वजाहतें पेश की थी और बताया था कि वो हरीम शाह से, उनमें से किसी से भी हरीम शाह की शादी नहीं हुई है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इस बात का तस्करा किया था कि पाकिस्तान की जो सहाफत, जो सहाफ़ी बरदरी है, वो जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो फिर वो बाल की खाल भी निकाल कर ले आते हैं। तो अगर उन 1-2 दिनों में नहीं मालूम हुआ था, नहीं पता चला था कि हरीम शाह ने किससे शादी की है, किससे नहीं की है, तो अब तक 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई सबूत सामने नहीं आ सका है, कुछ पता नहीं चल सका है कि किससे उन्होंने शादी की है, किससे नहीं की है। तमाम वज़रा भी ऑलमोस्ट इस दावे को झूठ करार दे चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी खुद इस दावे को झूठ करार दे चुके हैं। तो अब तक तो ऐसे ही लगता है कि ये दावा जो है इनका सिर्फ और सिर्फ शोशा था, और यहाँ पर भी फारूक सत्तार और फयाजुल हसन चौहान के लिए भी शायद खबरों में इन रहने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब और फारूक सत्तार साहब खुद आकर इन चीज़ों को क्लियर कर दें और वजाहत दे दें कि हरीम शाह साहिबा जो भी बात कर रही हैं वो गलत बयानी कर रही हैं, तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।